तो बात की एक बात ये कि कोलकाता अस्पताल कांड का ये जो आरोपी है संजय रॉय, ये करता क्या था अस्पताल में? कहते हैं वॉलंटियर था, वहां ऐसे वॉलंटियर होते हैं, उनको सिविक पुलिस भी कहते हैं, पुलिस विभाग से ही ऐसे लोगों को तनख्वाह दी जाती है। ये लोग कहने को तो मरीजों की मदद के लिए होते हैं, लेकिन लगता तो ऐसा है कि ये अपने कॉन्टैक्ट लगाकर ये वाला काम पा जाते हैं वहां पर। सत्ता में जो भी होता है वो अपने लोगों को इस तरह की पोजीशन देकर एडजस्ट कर लेता है। ये पुलिस भी नहीं होते और अस्पताल के कर्मचारी भी नहीं होते, लेकिन पुलिस से इनको वेतन जाता है और लोग इनको सिविक पुलिस कहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की जरूरत ही क्या है? प्राइवेट अस्पतालों में तो ऐसे वॉलंटियरों की जरूरत नहीं होती। ये सरकारी अस्पतालों में जो भीड़ आती है और सुविधाओं की कमी हो जाती है, तो ये लोग एक तरह से कहने को तो मदद के लिए होते हैं, लेकिन घूम फिर कर ऐसे लोगों का काम दलाली हो जाता है। ये ही लगता है। एम्बुलेंस चाहिए, बेड चाहिए, डॉक्टर की डेट चाहिए, खून चाहिए वगैरह वगैरह, जैसे काम करवा देते हैं ऐसे वॉलंटियर। काम सुनकर ही लोगों को शक होने लगता है कि इसमें घूस चलती होगी। लोग तो ये मानते हैं कि एक तरह से आधिकारिक रूप से दलाल रख दिए गए हैं सरकारी अस्पतालों में, और लोग ऐसा माने भी क्यों ना, सही या गलत, लेकिन ये आम धारणा बन गई है कि बिना कुछ खिलाए पिलाए सरकारी अस्पतालों में नंबर ही नहीं आता मरीज का। और बंगाल जैसी जगहों में तो ये माना जाता है कि ऐसे लोग सत्ताधारी पार्टी से जुड़े होते हैं और घूस लेते हो या न लेते हो, लेकिन पार्टी के लोगों का काम करवाने में आगे रहते हैं अस्पतालों में। पॉलिटिक्स कहां कहां नहीं घुस चुकी, तभी तो ऐसे लोगों की पहुंच अस्पताल में हर जगह होती है, वार्ड में, लैब में, कर्मचारियों तक, डॉक्टरों तक और वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों तक। सब जानते हैं इन लोगों को, हर जगह ही आते जाते रहते हैं। सब ये मानकर चलते हैं कि ये सरकारी बिचौलिए हैं। जब वेतन ही इनको पुलिस से मिलता है तो पुलिस में तो पहुंच होती है इनकी, तो ये क्या सुरक्षा करेंगे? ये तो खुद एक खतरा है, क्योंकि इन्हें तो डर ही नहीं ना किसी का। तो इनमें कोई दरिंदा हो तो कोई कैसे रोक लेगा उसको? डॉक्टर तभी तो सुरक्षा सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मरीजों के रिश्तेदारों से सुरक्षा तो चाहिए ही, ऐसे लोगों से भी तो चाहिए। और मरीजों को भी क्यों जूझना पड़े बिचौलियों से? जब प्राइवेट अस्पताल इनके बिना चल सकते हैं तो सरकारी क्यों नहीं? और इनको रखना ही है क्योंकि भीड़ ज्यादा होती है तो कोई चेक वेक नहीं होता। इस आरोपी के ससुराल वाले कह रहे हैं कि पत्नी को शराब पीकर मारता था। वो कह रहे हैं पुलिस में शिकायत भी की थी उसकी। पड़ोसी कह रहे हैं 4 बार शादी की थी उसने, हर पत्नी के साथ कुछ ना कुछ गलत किया उसने। और ऐसा आदमी सिविक वॉलंटियर बन गया। कैसे बन गया? पुलिस में जिसकी शिकायतें हों उसको सिविक पुलिस में पद दे दिया। कैसे होती हैं ये नियुक्तियां? कोई तो प्रक्रिया होती होगी, उस प्रक्रिया पर सवाल क्यों नहीं उठेंगे? ये बंगाल में कम्युनिस्टों के टाइम से सुनते आ रहे हैं कि पार्टी के लोग हर जगह घुस जाते हैं, और सत्ता में पार्टियों के बदल जाने से क्या फर्क पड़ता है? ऐसे लोग उसके साथ हो जाते हैं जो सत्ता में होता है। सिर्फ एक संजय रॉय को हटाने से यह व्यवस्था कैसे साफ हो जाएगी? तो बात की एक बात है।